वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कभी इन चीजों को नहीं रखना चाहिए। इससे घर में दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, इसलिए इन चीजों को घर से तुरंत बाहर निकाल दें। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रखी कुछ चीजों से हमारे जीवन में सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए घर में वास्तु शास्त्र का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और भाग्य भी साथ देता है, फिर भी हमें सफलता प्राप्त नहीं होती। नंबर एक, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान। घर में खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान होने पर उसे तुरंत घर से बाहर फेंक दें या फिर उसे सही करवा लें, जिससे वो सामान घर के इस्तेमाल में आ जाएगा, क्योंकि खराब सामान घर में पड़े रहने से शनि और राहु को खराब कर देते हैं। जब ये दोनों ग्रह खराब हो जाते हैं तो व्यक्ति के सौभाग्य को नष्ट कर देते हैं। नंबर दो, फटे पुराने कपड़े। घर में फटे पुराने कपड़े रखे रहने से वस्तु दोष लगता है, इससे व्यक्ति के सौभाग्य नाश होता है, इसलिए इन वस्त्रों को तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए, नहीं तो घर में दुर्भाग्य आ सकता है। इसलिए घर में फटे पुराने कपड़े नहीं रखना चाहिए, जिससे व्यक्ति वस्तु दोष से मुक्ति मिलेगी। नंबर तीन, घर में टूटा फूटा सामान ना रखें। हम सभी के घरों में कई बार टूटा फूटा सामान छूट जाता है, जिससे घर में वस्तु दोष आने की संभावना बढ़ जाती है और जो दुर्भाग्य का कारण बन जाता है, इसलिए टूटी फूटी चीज़ों को घर से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। नंबर चार, घर की छत पर न रखें कूड़ा कचरा और कबाड़। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की छत पर कभी कूड़ा कचरा और कबाड़ नहीं रखना चाहिए, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का आने का संभावना होता है, इसलिए इन चीज़ों को घर से तुरंत बाहर फेंक। इसके अलावा घर की छत पर पड़े कापी किताबों और पत्रिकाओं को छत पर न रखें, इससे घर में दरिद्रता आती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।